हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी CBET की तैयारी अच्छी चल रही होगी। DFCCIL की जो होने वाला है, आंसर की आई ही आएगी और उसके बाद CBET की डेट भी आ जाएगी। तो फिर आपको टेंशन होगी कि क्या करें क्या करें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें अपन टेस्ट कर रहे हैं, 3 टेस्ट हो चुके हैं, 4 टेस्ट और ये 4th टेस्ट है। और इसमें टेस्ट 5 टेस्ट होंगे, टोटल 5 टेस्ट आएंगे पे एग्ज़ाम में। तो उसी पे सिलेक्शन वाइज अपन ऐसे करेंगे। तो आज सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, तो इस पर आप क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि दिस टेस्ट योर टास्क इज़ टू ऐड ऑड नंबर। ऑड नंबर को ऐड करना है, जैसे कि 1, 3, 5 होते हैं, एंड इंडिकेट विच ऑफ द 5 ऑप्शन शो द करेक्ट सम, और उसका सम करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने पहले दिया है, तो पहले में क्या दिया है, पहले अपन ऐसा करते हैं कि इसमें ऑड नंबर अपन अलग कर लेते हैं। तो 1 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, फिर आ गया है आगे 1 ऑड नंबर है, फिर आ गया है 3 ऑड नंबर है, फिर आ गया है फिर 3 ऑड नंबर है, फिर आ गया है 1 है, फिर आ गया है 5 ऑड नंबर है, फिर आ गया है 1 है। ठीक है, तो इसका फिर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1, 5, 6, 6 और 3, 9, 9 और 1, 10, 10 और 3, 13, 13 और 3, 16, 16 और 1, 17, 17 और 5, 22, 22 और 1, 23। तो ये 23 डी ऑप्शन, और इसमें लिखा है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो अपना ये सम ऐसे करना है। तो ये इसमें आपको एडिशन है, ये अभी एडिशन भी दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, मतलब प्लस करना भी दे सकते हैं, माइनस करना भी दे सकते हैं, और उनके मल्टीपल का मल्टीप्लीकेशन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर आप उसको फॉलो करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, अब देखो उसमें ऑड नंबर को कर करके ऐड करना है। अब देखो ऑड नंबर करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले 3, 3 और 1, 4, फिर आगे गए 4 और 5, 9, फिर आगे गए 9 और 5, 9 और 5, 14, और ये 1, 15, 15, फिर आगे गए 1, 16, फिर आगे गए 3 मिल गया 19, फिर आगे गए 19 और 5, 24, 24, फिर आगे गए 24, 24 और 3, 24 और 3, 27, 27 और 5, 32, 32 और 3, 33 और 1, 34। अब देखो इसमें ऑप्शन में 34 है, ठीक है, और अपने सारे कवर हो गए, अपने टिक कर लिए, कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ये आंसर सही हो गया सी। अब ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में देखेंगे, ये टिक भी करते जाना, 1, 1 और 1, 2, 2 और 5, 7, 7, 7 आगे गए 7 और 3, 10, 10 और 1, 11, 11 और 5, 16, 16 और 1, 17, 17 और 3, 20, 21, 21, 26, 26, 26 और 29, 29, 30, 30, ये हो गए 30। 30 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, ऐसे आपको एक दो बार करना है, क्योंकि एक बार में कभी मिस हो जाता है कोई, इसलिए। और इसके यहाँ पे तो आप टिक कर रहे हो, स्क्रीन पे आप टिक नहीं कर पाओगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो 2, 4, 6 अपन को नहीं मिला अभी तक, ये मिल गया 5 और 3, 8, फिर आगे बढ़े 8 और 3, 11, 11 और 3, 14, 14 और 1, 15, 15 और 5, 20, 20 और 1, 21, 21, फिर आगे बढ़े कुछ नहीं मिला, 21 और 3, 24, 24 और 1, 25, 25 और 1, 26, 26 और 3, 29, 29, 29, 29 और 5, 34। तो 34 ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ करेंगे, फोर्थ देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आप सॉल्व करना। अब देखो 3, 3 और 3, 9, 9 और 1, 10, 10 और 3, 13, 13 और 14, 14, 14, 15, 15 और 5, 20, 20, 21, 21, 21 और 5, 21 और 5, 26, 26 और 3, 26 और 3, 29, 29 आगे गए 29 और 5, 34, 34, 34, अब कुछ नहीं है ना, 34, तो इसका आंसर 34 होगा, तो ये मिल गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला क्या है, 5, 5, 5, 5 और 1, 6, 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 10 आगे गए, 10, 13, 13, फिर आ गए 13 और 1, 14, 14 और 3, 17, 17 और 5, 17 और 5, 22 और 22 और 1, 23, 23, फिर आगे गए 23 और 26, फिर आगे गए 26 और 1, 27, 27, 27 और 28, 28, 28 और 31,
31 और 6, 37 और 5, 42, तो 42 ये आ रहा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 20-25 क्वेश्चन 30 भी दे सकता है वो आपको टाइम लिमिट के, तो आपको स्पीड होना चाहिए इसमें, इसलिए अपन ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। और अपन ऐसे ही करते रहेंगे प्रैक्टिस, और फिर एंड में अपन कंबाइन करके अब टेस्ट लिया करेंगे, 4-5 टेस्ट करेंगे कंबाइन करके CBET आने से पहले, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी CBET में, और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाना। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11, 12, 13, 13, 16, 16 और 1, 18, 18, 18 और 8, 18 और 5, 23, 23, 26, 27, 27 और 5, 32, 32, 36, 37, 27 और 5, 42, 32 और 3, 32 और 35, 36, 36, 36 और 5, 41, 41 और 5, 46, 46 और 8, 47। अब इसमें 47 आ रहा है, देखो ये आ रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं कहना कि एडिशन है तो ईजी है, देखो कुछ अगर मिस हो गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए। अब देखो 3 और 5, 8, 8 और 1, 8 और 1, 9, 9 और 1, 10, 10 और 3, 13, 14, 14 और 3, 17, 18, 18 और 3, 21, 21 और 5, 21 और 5, 26, 26 और 5, 31, 31 और 1, 32, 32 और 1, 32 और 1, 33, 33, 33, 33 और 3, 36, 36 और 5, 41, 41, 41 और 1, 42, और 42 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 42 आ रहा है, बी वाले में। ठीक है, बी वाले में आ रहा है। अब देखो स्पीड ऐसी तेज़ होती, फास्ट होती जाएगी आपकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो। 5, 5, 5 आगे गए, 5 और आगे गए, 6, 6, 6 और 3, 9, 9 और 5, 14, 14 और 1, 16, 16 और 3, 19, 19 और 5, 24, 24 और 5, 19, 29, 29 और 3, 32, 32 और 33, 34 और 34 और 3, 37, 37 और 3, 40, 41, 41, 41 और 1, 42, 42 आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन ई। ठीक है, और नाइन्थ करेंगे, नाइन्थ में क्या है, 1, 1 और 1, 2, 1 और 1, 2 और आगे जाएंगे 2, 2 और 3, 5, 5 और 3, 8, 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 14, 14 और फिर आगे गए 14 और 1, 15, 15 और 3, 18, 18 और 5, 23, 23 और 1, 24, 24 और 3, 24 और 3, 27, 27 और 1, 28, 28 और 3, 31, 31 और 5, 31 और 5, 36, 36 और 1, 37 और 1, 38। अब देखो 38 नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ मिस किया अपन ने, देखो ये 5 मिस गया, 38 और 5, 43, देखो हो गया 43। तो ऐसी आपके मिस्टेक हो सकती है वहाँ पे भी, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिस हो गया ना, अगर 25 मिस हो गया था, 43 आ रहा था, अगर उसकी जगह 38 होता ऑप्शन में तो आप तो लगा देते 38, चेक थोड़ी करते, क्योंकि एक बार जो अपना आंसर आ जाता और वो वहाँ दिखता है तो अपन लगा देते। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 1 और 5, 6, 6 और 1, 7, 7 और 5, 12, 12 और 1, 13, 13, 13 और 1, 14, 14, 14 और 3, 17, 17 और 18, 18, 18 और 29, 29, 29 और 5, 34, 29 और 5, 34। आ रहा है, फिर इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, 34 और 5, 39। ठीक है, देखो ऐसा ही ये मिस हो गया, इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे तो मिस नहीं होंगे और आपको जो एक्यूरेट मिलेगा। अब इसको इसमें करेंगे 3, 3, 3 और 1, 4, 4 और 5, 9, 9 और 1, 10, 10 और 5, 15, 15, 15, 15 आगे गए, 15, 15, 15 और 3, 18, 18 और 1, 19, 19
19 आगे का 19 19 19 20 20 20 21 21 21 और 3 24 25 25 और 5 30 30 देखो यार रहा है। अब इस बार कुछ मिस नहीं हुआ ना। अब 12 करेंगे ठीक है। 12 में क्या है, 3 3 1 4 4 और 5 9 9 10 10 और 1 11 11 और 5 16 16 और 1 17 17 और 3 30 30 17 और 3 20 सॉरी 20 और ये 23 23 23 और 5 28 28 और आगे गए 28 तो ये 29 और आगे गए 29 29 29 29 और ये हो गए 32 32 ठीक है। ये सही हो गया। 13 करेंगे तो 1 1 और 3 4 4 और 1 5 5 और 5 10 10 और 3 13 13 16 16 17 18 और 19 19 और 3 22 22 22 23 24 24 27 28 28 28 और 4 32 32 32 32 और 5 37 37 और 3 40 41 41 और 3 44 ठीक है। अब स्पीड ऐसे ही आपकी फास्ट होती जाएगी। देखो 5 5 5 हो गए आगे गए 5 और 8 8 8 8 आगे गए 8 और 3 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 5 21 21 और 3 24 24 और 1 25 25 और 5 30 31 31 आगे गए 31 और 3 34 और 1 35 और 1 36 ठीक है। 15 करेंगे 15 करेंगे 1 1 2 3 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और आगे जाएंगे 13 और 1 14 14 और 3 17 17 और 1 18 18 और 1 19 19 और 5 24 24 और 3 27 27 28 28 और 5 33 33 और 3 30 36 36 और 3 39 39 और 5 43 43 43 और 3 46 तो 46 इसमें नहीं आ रहा तो कुछ मिस हो गया अपना। 46 एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 1 और 1 2 2 और 3 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और 1 14 14 और 3 17 17 18 18 और 1 19 19 और 5 24 24 और 3 27 27 और 1 28 28 और 5 33 33 और 3 36 36 और 3 39 39 और 5 43 43 और 3 46 46 क्या मिस हो रहा है इसमें। 46 फिर से एक बार और करके देख दें कुछ मिस हो रहा है क्या। 1 1 2 और ये 3 और 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और 1 14 14 और 3 17 28 28 और 5 33 33 और 3 36 36 36 और 3 39 39 और 5 39 और 5 कितने होते हैं 39 और 5 44 होंगे ना यहाँ मिस्टेक कर रहे थे अपन 44 44 और 3 47 ठीक है। 16 16 और 1 7 ठीक है 16 करेंगे 1 1 और 5 6 6 और 1 7 7 और 3 10 10 10 और 1 11 11 और 5 16 16 16 और 3 19 19 और 5 24 24 और 1 25 25 और 1 26 26 और 5 31 31 और 1 32 32 और 5 37 37 और 40 और 43 43 और 44 44 आ रहा है 17 देखेंगे 17 में देखेंगे 1 1 और 5 6 6 6 और 1 7 7 7 और 3 10
टेन और एक थर्टीन, थर्टीन और फाइव एटीन, एटीन नाइनटीन, नाइनटीन और थ्री ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और फाइव ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन थर्टी, थर्टी थ्री, थर्टी थ्री थर्टी फोर, थर्टी फोर और फाइव थर्टी एट, थर्टी और थ्री फोर्टी वन, फोर्टी वन। फिर इसमें कुछ मिस हो गया, देखो इसमें ऐसे ही है, आप ज़्यादा फास्ट भागोगे ना तो आप मिस्टेक ज़रूर होगी, तो आराम से देख देख के करना। वन और फाइव सिक्स, सिक्स और वन सिक्स और वन सेवन, सेवन और थ्री टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और ये छूट गया थ्री एटीन, एटीन और वन नाइनटीन, नाइनटीन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और फाइव ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी, थर्टी थर्टी आगे गए थर्टी थ्री, थर्टी थ्री आगे गए थर्टी फोर, थर्टी फोर, थर्टी फोर और फाइव थर्टी नाइन, थर्टी नाइन और थ्री फोर्टी टू, फोर्टी टू। ये इसलिए मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक आप जरा से एक मिस्टेक करिए बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक सिलेक्शन अगर आपका एक सेक्शन भी क्लियर नहीं हुआ तो आपका पूरा टेस्ट जितना भी आपने किया है सब बेकार, कुछ नहीं होगा। फिर सब सेक्शन में पास होना है, और सीबीटी में चाहे कितने भी मार्क्स हो अगर इसमें आप फेल भी हो गए तो ओवरऑल फेल ही माने जाओगे। फाइव, फाइव और फाइव टेन, टेन और एक एलेवन, एलेवन और थ्री फोर्टीन, फोर्टीन और फाइव नाइनटीन, नाइनटीन और एक ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और थ्री ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और फाइव थर्टी थ्री, थर्टी थ्री और वन थर्टी फोर, थर्टी फोर और थ्री थर्टी सेवन, थर्टी सेवन और फोर थर्टी सेवन और फोर फोर्टी वन, फोर्टी वन और एक फोर्टी टू, फोर्टी टू और एक फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री और फाइव फोर्टी एट, फोर्टी एट। नाइनटीन क्वेश्चन देखेंगे, टू वो सॉरी टू इवन ले लिया, ऑड लेना है ना। फाइव, फाइव और वन, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और सिक्स और फाइव एलेवन, एलेवन और ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और थ्री ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव और फाइव थर्टी, थर्टी वन, थर्टी वन फाइव थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और एक थर्टी सेवन, थर्टी सेवन, थर्टी सेवन, थर्टी सेवन और फाइव फोर्टी टू, फोर्टी टू और थ्री फोर्टी फाइव और एक फोर्टी सिक्स, फोर्टी सिक्स। अब ये ट्वेंटी क्वेश्चन आप करना, रुक के करो, स्क्रीन शॉट लेके करना, और इसका ऑप्शन आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको ये प्रैक्टिस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसी अपन डी एफ सी सी एल की पूरी सी बी ए टी की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी सेक्शन वाइज करेंगे, फिर एक एंड में कम्बाइंड टेस्ट लिया करेंगे सी बी ए टी से पहले, तो आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें सेशन को और शेयर करें, ठीक है। और आगे भी अपन ऐसे करते रहेंगे, तो थैंक यू वेरी मच।